तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4G गेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है 4G गेम के अंदर। अब आपको TDM गेम, मल्टीप्लेयर रॉयल बैटल गेम भी देखने को मिलने वाले हैं 4G गेम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लें 4G गेम को। मैंने तो अपडेट कर लिया है एंड गाइस, काफ़ी सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है। पहले आपको नॉर्मली डिस्म करने को मिलता था, लेकिन अब आपको इसके अंदर AK Kar 98 जैसी बहुत सारी गन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यार 26 जनवरी को ये 4G गेम लॉन्च हुआ था और अभी कुछ चंद दिनों के अंदर इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो जैसा कि यार आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं और इसका जो 20% पैसा है वो डायरेक्टली हमारे फौजियों के पास जाता है, जो हमारे वीर शहीद हैं उनके पास जाता है। एंड दोस्तों, अभी मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये यूट्यूब पर जो रूमर फैला रखा है बहुत ज़्यादा कि यार ये 4G गेम क्या कचरा गेम लॉन्च कर दिया इन लोगों ने, 4G गेम ऐसा है वैसा है, इसको लोगों ने सुपर मारियो और कॉन्ट्रा से कंपेयर कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब भी इसके अंदर अपडेट आएगा। ये 460 MB का गेम ऐसे ही लोगों ने डाला नहीं है प्ले स्टोर पर, ये बहुत बड़ी कंपनी है एनकोर। सो गाइस, जो लोग अगर 4G गेम में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि यार इसके अंदर बहुत जल्दी मल्टीप्लेयर रॉयल बैटल ग्राउंड आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिन लोगों को ये गेम अभी बेकार लग रहा है, जैसे इस गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा, TDM का अपडेट, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल रॉयल का अपडेट, तो दोस्तों वही लोगों को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि फ्री फायर की शुरुआत में कितनी ज़्यादा बुराई होती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं प्ले स्टोर फ्री फायर के कितने ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, अभी लोग फ्री फायर को कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। वैसे ही जैसे 4G के अंदर अपडेट आएगा मल्टीप्लेयर का, वैसे ही सब लोग 4G को खेलना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि यार जो लोग इस गेम को हेट कर रहे हैं, जिन लोगों को ये गेम पसंद नहीं आ रहा, उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, साफ साफ सुन लो कान खोल के, कि यार थोड़ा वेट करो, रुको जरा यार, एनकोर कंपनी बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, अक्षय कुमार इसका ब्रांड एम्बेसडर, अक्षय कुमार ने खुद ऐड किया है इसका, तो यार आप थोड़ा बहुत वेट करो, जैसे ही मल्टीप्लेयर गेम जो आ जाएगा आपको ये गेम अच्छा लगने लगेगा। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर सच में पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कुछ जानना हो तो कमेंट करें, अगर हमारी वीडियो बेकार लगी हो तो कमेंट करके बताएं भाई आपकी वीडियो में ये चीज बेकार लगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, जिसका नाम है SSP टेक। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ एट होम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को ये गेम लॉन्च हुआ था एंड चंद दिनों के अंदर, जी हां दोस्तों, 4-5 दिनों के अंदर इस गेम में 5 से, अरे यार तू चल क्या है, मुझे आगे कर रहा है साले, बेस डाल रहा है कि मैं वीडियो के अंदर चप्पल डाल रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों फाइनली पबजी गेम के अंदर क्या आ गया साले 28 का। सो हेलो दोस्तों, फाइनली यार तू यार इसको देखो, वो डायरेक्टली हमारे फौजियों के पास जाता है, जो हमारे वीर शहीद है उनके पास जाता है। तो गाइस यार इतना तो कर रिकॉर्ड में, इतना तो जानते हैं, इतना तो बंदे। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर सच में लगी है तो दोस्तों एक लाइक जरूर मारिएगा, अगर वीडियो में कुछ कमी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक हमने, अरे यार भैंस की टांग, तुम साले बातें कर रहे हो, मेरे में चुपचाप रहो करो ना यार।